तो गाइस आज ये है डोलिया क्राफ्ट, स्कूल का नाम छुपाता हूँ, नो फ्री प्रमोशंस। और ये बाल्टी नीचे जा रही है पानी लेने के लिए। अरे ये कुआं तो सूखा हुआ है। डोलिया ने मैं सच बता रहा। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एंड टुडे मेरे को मतलब आज के दिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, बिकॉज साइंस का एग्जाम है, प्लस ज़्यादा कुछ आता नहीं है। एंड जितना भी आता है उतना मैं लिख लूँगा, ये मेरे को भरोसा नहीं है, बट जो भी आज के निकाल लूँगा मैं एग्ज़ाम। एंड आज के बाद फिर एग्ज़ाम्स ओवर, बस लास्ट एक पेंटिंग का होगा तो वो तो हम कर ही लेंगे, आप लोग को पता ही है। नहीं पता तो रिसेंट व्लॉग देख लो, रिसेंट व्लॉग्स सारे पीछे पीछे करते रहना। एंड गाइस फिलहाल अभी निकलते हैं घर से, और आज के बाद से आर्टवर्क भी स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को करवाना होगा तो मेरे को कमेंट कर देना, और मैं इंस्टा का लिंक या फिर इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से कर लेना। बाकी फिलहाल अभी निकलते हैं और आप सब सीधे घर आने के बाद मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद। और अभी 12:30 हो गया टाइम ऑलमोस्ट, तो निकलता हूँ, 1 बजे से एग्ज़ाम है। तो बाय बाय फैमिली। फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ, एंड मैं 4 बजे के ऑलमोस्ट, 4:15 के आसपास मैं घर पहुँच गया था। एंड आज का एग्ज़ाम वॉज मज़ा आ गया, मतलब मज़ा ही आ गया जो पढ़ा। मतलब कि पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठ के मैंने मतलब गूगल ऐसी करने में लगा था, मैं 2-3 चीज़ें मेरे को नहीं आ रही थी तो ऐसी बस मैं गूगल करने में लगा था, तो बस 2-3 चीज़ें दिमाग में बैठ गई थी। एंड गाइस वही आया सेम, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया, लेकिन फिर भी मतलब जितना गंदा मैंने सोचा था जाएगा लेकिन उतना गंदा नहीं गया। बायोलॉजी सेशन पूरा कंप्लीट किया और सब सही लिखा है, केमिस्ट्री भी शायद ऑलमोस्ट ठीक ही लिखा होगा, एंड फिजिक्स भी थोड़ा बहुत ठीक लिखा है। तो जो भी था पेपर कंप्लीट हो गए हैं गाइस, और लास्ट बचा है आर्ट का जो कि है 2 दिन बाद। तो अभी सैटरडे को छुट्टी, संडे को छुट्टी, तो काफ़ी तबाही होने वाली है इन 2 दिनों में। कुछ तो खतरनाक होने वाला है गाइस, कुछ तो खतरनाक होने वाला है। और फैमिली आज का मौसम भी अच्छा हो रहा है, और 5:00 हो गया टाइम, तो आज हमें कहीं जाना भी है। एंड आज आशीष दा भी आ रहे हैं, और मौसम देखो गाइस कितना प्यारा हो रहा है, और इसे टाइम बाद में घूमने जाऊँगा तो कितना अच्छा लगेगा। बाकी स्टूडियो वगैरह सेट करना है थोड़ा बहुत, बाकी ये स्टूडियो की हालत है। टेबल पे आपको बहुत किताबें दिख रही होंगी, वो मैंने अब क्लीन कर दी हैं, क्योंकि अब उनका 1-2 दिन तो मैं नहीं पढ़ूंगा भाई, 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट करेंगे। एंड ग्रीन स्क्रीन यहीं पे है, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ ना गाइज एक रिंग लाइट ले लेता हूँ ताकि इसमें लाइट सही पड़े, बट पैसे ही नहीं है। अच्छे मार्क्स आएंगे तो घर वाले दिला देंगे शायद। तो गाइज इतने टाइम बाद घर से बाहर आ रहा हूँ ना मैं, और अभी ग्लव्स पहने हुए हैं, एंड यू कैन सी द मौसम काफ़ी मस्त हो रहा है आज, और ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल अभी 5:30 हो रहे हैं और आशीष तक आ गए, तो बस अभी निकलते हैं। हेलो फैमिली, तो फाइनली घर पहुंचने के बाद अभी मैं कुछ जुगाड़ वगैरह कर रहा था। दरअसल ना यहाँ पे थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम आपको लगती होगी, स्टूडियो में काफ़ी लो लाइट रहती है, तो आज मैंने एक लाइट का जुगाड़ कर दिया, बहुत तगड़ा वाला जुगाड़ किया है, मतलब स्टूडियो लाइट बना दिया सिर्फ थोड़े से जुगाड़ से। तो अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बिकॉज पता है गाइस मैं बता रहा हूँ सच सच, ऐसा होता ना प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को जब मैं ग्रीन स्क्रीन पे व्लॉग वगैरह मतलब ग्रीन स्क्रीन पे शूट वगैरह कर रहा था, तो एडिटिंग करते समय इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ किया जाए इसका जुगाड़। एंड बस मैं बैठा था कि कुछ आइडिया आया मेरे दिमाग में और मैंने कर दिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और आप फैमिली ये है वो जुगाड़, काफ़ी गदर वाला जुगाड़ है, यहाँ बैठ के शूट कर रहा था मैं भी। एंड लुक एट द लाइट गाइस, बस इसका ये है ना एक चीज़ कि इससे ज़्यादा लंबा नहीं होता ये, एंड इसको मतलब आप वो भी कर सकते हैं एडजस्ट, जैसे डाउन करनी है डाउन कर ली, पढ़ने के लिए चाहिए वही, यहाँ से लीवर डाउन कर दिया, पढ़ने के लिए भी हो जाएगा टेबल लैम्प की तरह। एंड यहाँ से थोड़ा उठा लिया, और बैक को करोगे तो फिर ऊपर को, एंड मेन इसके लिए चाहिए था मेरे को, तो बस
घुमाओ और काम हो गया। देख रहे हो कितनी लाइट आ रही है, ये देखो सही चीज़ है, मतलब पूरा ग्रीन दिख रहा है, सही सही वाला। तो फैमिली फ़िलहाल अभी जुगाड़ उगाड़ तो हो गया हमारा एंड मस्त स्टूडियो सही हो गया है, बस मेन लाइट भी जला लेते हैं अब। हाँ तो अब फ़िलहाल अभी निकलते हैं उस रूम में, बिकॉज़ यहाँ काफ़ी ठंडा हो रहा है ना, और ये भी ख़राब हो गया है स्विच बोर्ड, तो काफ़ी ठंडा लग रहा है और नंगे पाँव में, तो बस यहाँ झाड़ू लगाना भी हो रहा है। कल करेंगे सब कुछ, और कल कहीं धांसू प्लान बनाएंगे, बनता है तो। बाकी कल मैं फ्री हूँ, तो किसी के पास कुछ आइडिया है तो कमेंट करके बता देना, सुबह 8 बजे व्लॉग मिल जाएगा तो सुबह ही मैसेज कर देना हो सके तो। तो यहाँ तो चल रहा है डॉली का काम, और यहाँ चल रहा है नाटक मम्मी के, और मम्मी प्याज भी काटे थे अभी, जिससे काफ़ी ज़्यादा आंसू आ रहे हैं मेरे, आ रहे हैं मम्मी के, तो आँख दिखाओ। ये होता है प्याज का कमाल, अच्छे अच्छे को रुला देता है। तो फैमिली आज काफ़ी अच्छा लग रहा है आज, बिकॉज कोई प्रेशर नहीं है, पढ़ाई का नहीं, किसी चीज़ का नहीं, किसी चीज़ का बस एक एडिटिंग का प्रेशर है, जिसका वो भी बहुत कम है, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं है एडिटिंग का। एडिटिंग तो हम करते रहते हैं, रोज का ही काम है। और जो भी है फिलहाल आज का मूड फ्रेश हो गया, मतलब एग्जाम खत्म हो गए, अब तो कल कुछ तबाही होने वाला है गाइस, कल कुछ तबाही होने वाला है, शायद हो सकता है कुछ भी तबाही। हम कहीं जा सकते हैं घूमने, या कुछ आउटडोर ब्लॉग हो सकता है, या फिर कुछ खतरनाक हो सकता है, तो कल ही बताऊंगा मैं, कुछ होगा तो कल ही बताएंगे। तो अभी हम मूवी देख रहे हैं, मूवी बहुत मस्त मूवी है। फिलहाल अभी बज चुके हैं रात के 12:30, एंड आज पिक्चर देखने के चक्कर में देर हो गई है, मूवी देख रहे थे हम दरअसल, इंजॉय कर रहे हैं भाई, छुट्टी है और कल नहाने वाला हूँ मैं फाइनली, 2-3 दिन के बाद नहाऊंगा अच्छे से, और नींद भी आ रही है और एडिटिंग वगैरह भी करनी है। बस इस चीज़ को एंड करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को, और आज का दिन मतलब मज़ा आ गया, अब रात को सोने में काफ़ी मज़ा आएंगे, सुबह लेट लेट उठेंगे और फिर कुछ इन्जॉय करेंगे कल का दिन। तो फिलहाल अभी आपसे मिलते हैं आज सुबह, 12 बज गए हैं, तो इस हिसाब से आज सुबह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।